You're dead! वाले राफ्ट से पीछा करते हैं। उठो हम लोग सीआईडी के अबाउट करते हो। सीआईडी सीआईडी वाले। उठो हम लोग सीआईडी के अबाउट करते हो। पकड़ा, 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 पकड़ा। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ, तुम बच के जा नहीं सकते। रुक जाओ। ऐसा डांस किया तुमने कंपटीशन में? फ्रेडी, एक मिनट, बहुत बढ़िया डांस है। एक बार थोड़ा शुरू से। यस। Yes!
ये डांस देख के लगता है जैसे मुर्गी को खुजली आई हो। थोड़ा दूसरा वाला आराम से क्या हुआ? बीवी ने मारा या धक्के मार के घर से भगा दिया तुम्हें? क्या हो रहा है इधर? काम नहीं है कुछ जो डांस का क्लास लगा कर बैठे हो? नहीं सर, फ्रेडी ने बताया कि उसने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है सर। कॉमेडी डांस में? नहीं सर, कॉमेडी नहीं, सीरियस डांस। सीरियस डांस ना फ्रेडी, सीरियस। ये अभी जो किया वो सीरियस डांस था? हाँ सर, फ्रेडी ने कहा कि उसने सीरियस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और सर उस कॉम्पिटिशन में तीन तीन जज थे सर, और तीनों जजों ने रिजाइन कर दिया सर और माथा पीटते हुए बाहर चले गए। अच्छा, मरने गए तीनों जजेस तुम्हारा डांस देखकर? कब से जानते हो ये डांस? बचपन से ऐसा ही डांस करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाइफ के सामने गया तो उसने मुझे पास कर दिया। ओ अच्छा, काम पे लग जाओ। सर हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। ऐसे भी सर प्लीज कुछ भी कीजिए, ये मेरा बेटा है, इसे ढूंढ निकालिए सर। देखिए घबराइए मत, आपके बेटे को हम ढूंढ निकालेंगे। कुर्सी लेकर आओ। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? बेटे थैंक यू सर। अब बताइए कब से गायब हुआ है आपका बेटा? सर 3 दिन हुए, ऋषिकेश गया था। कल सुबह 11 बजे जब वो रिवर रैफ्टिंग के लिए जा रहा था उस वक्त हमें फोन किया था सर। 11 बजे आपको फोन भी किया था उसने? हाँ सर। फिर सर गंगा में रिवर रैफ्टिंग करते करते गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर वहाँ तो 500 बोट रोज चलती है और फिर रिवर राफ्टिंग की बोट तो कोई छोटी मोटी बोट नहीं होती। वही तो सर, पूरी की पूरी बोट गायब हो गई सर। पूरी की पूरी बोट गायब हो गई? हाँ सर। कोई फोन वगैरह आया था? 24 घंटे में ना उसने एक फोन किया और ना ही वो होटल पहुंचे। सर मुझे तो लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया सर, नहीं तो वो है ना सर, हर एक घंटे में हमें फोन करता रहता है सर। एक बात बताइए, क्या आपका बेटा अकेले ही गया था ऋषिकेश या कोई दोस्त वगैरह कोई थे उसके साथ में? नहीं सर, कोई और नहीं था, अकेले गया था। अकेले गया था? सर प्लीज मदद कीजिए सर, प्लीज। कैसी मदद चाहिए बताइए? मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। एक मिनट फ्रेडी, देखिए आप शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। क्या हुआ है आपके पति के साथ? क्या वो घर लौटे नहीं, क्या गायब हो गए? वो ऋषिकेश गए थे, बस वहां से गायब हो गए, पुलिस को भी नहीं मिल रहे। ऋषिकेश? आपके पति ऋषिकेश से गायब हुए? जी। और इनका बेटा भी ऋषिकेश से गायब हुआ है? आपका बेटा भी? हाँ। देखिए इनका बेटा भी ऋषिकेश गया था, रिवर राफ्टिंग करते हुए गायब हो गया। मेरे पति भी रिवर राफ्टिंग करने ही गए थे। क्या, कितने बजे गए थे आपके पति? 11 बजे। 11 बजे? 11 बजे? 11 बजे? दोनों लोग एक ही टाइम पे गायब? इसे देखिए, ये कुणाल है, ये भी कल ऋषिकेश से गायब हुआ है 11 बजे रिवर राफ्टिंग करते वक्त। क्या इसे कभी देखा है? क्या आप जानती हैं इसे? नहीं। या फिर आपके पति ने इनका जिक्र किया होगा, नाम लिया होगा, कभी सुना है? दो अनजान लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं, फिर भी रिवर राफ्टिंग करने गए और गायब हो गए। सर, सर मेरा भाई अचानक गायब हो गया है सर। सर हम लोग लूट जाएंगे सर, सर वही हमारा घर चलाता है। एक मिनट आप जरा शांत हो जाइए, जरा कुर्सी लाना। शांत हो जाइए और अब बताइए कहाँ गायब हुआ आपका भाई? ऋषिकेश से। क्या,
ऋषिकेश में? क्या रिवर राफ्टिंग करने गया था कल सुबह 11 बजे? आपको कैसे मालूम? माय गॉड, ये देख इस फोटो को देखो, इसे जानती है आप? ये कुणाल है, इनका बेटा, ये भी रिवर राफ्टिंग करने गया था कल सुबह 11 बजे। ऋषिकेश, ये भी गायब है। नहीं, मेरे पति भी वही से उसी समय से गायब है। ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो हम भी सोच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। आप अपने भाई का फोटो दीजिए हमें और आप अपने पति का। जी। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, तीन लोग जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं, एक दूसरे को जानते नहीं, वो एक ही दिन एक ही समय सुबह के 11 बजे ऋषिकेश जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं और गायब होते हैं। ये कैसे हो सकता है? सर, पूरे ऋषिकेश में बवाल मचा हुआ है कि पूरी की पूरी रात गायब हो गई है सर। ऐसा पहले कभी हुआ? मजाक कर रहे साहब, अब पूरी की पूरी राफ्ट निकल गायब हो सकती है? गंगा में एक के पीछे एक राफ्ट आती रहती है, सामने वाले राफ्ट को कुछ हो गया तो किसी को तो दिखेगा ना, पूरी की पूरी राफ्ट निकल गायब हो सकती है? मैंने तो पुलिस की पूरी ड्यूटी में आज तक तो न ऐसा देखा है और न सुना है। तीनों एक साथ गायब हो गए? जी सर। तुम्हें मालूम है ना कि वो तीनों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक साथ गायब? जी सर। राफ्ट के मालिक ने हल्ला नहीं मचाया? मचाया सर, बहुत रोया। हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया था और तभी तो पता चला हमें कि मुंबई से तीन लोग गायब हो गए हैं। तीनों के अलावा उस राफ्ट में और कोई नहीं था? एक राफ्ट में कम से कम 7 या 8 लोग तो बैठ ही सकते हैं सर। तो उस राफ्ट में और लोग क्यों नहीं बैठे? तीनों को पूरी राफ्ट अपने लिए चाहिए थी सर। कहीं ये तीनों राफ्ट लेके भाग तो नहीं गए? हाँ जी, शायद साहब। वो दुकान सामने पड़ेगी साहब। हाँ, सामने, इधर से राइट लेके। ओम शांति शांति शांति। दुकान लीजिए साहब जी, आपकी पूजा तो हो गई, अब आपके ऊपर आए संकट टल जाएंगे और आपका धंधा भी पहले जैसा खूब अच्छा चलेगा। राजेंद्र साहब, हम मुंबई से सीआईडी वाले आए हैं। अच्छा हुआ आगे, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक कोई टपका क्यों नहीं। टपकने में कभी कभी देरी हो जाती है। वैसे जैसे हमें पता चला कि मुंबई से आए हुए तीन लोग यहाँ पे गायब है, हम लोग फौरन चले आए। वैसे इंस्पेक्टर पवन, मेरे राफ्ट का कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। और उन लोगों का, उनका क्या हुआ? तो राजेंद्र, आप पहले ये बताइए कि जो लोग आपके यहाँ पे राफ्ट लेने आए थे, वो लोग साथ में आए थे या अलग अलग? एक साथ आए थे जी। एक साथ आए थे? आप उसमें बात कर रहे थे? जी। मतलब वो लोग एक दूसरे को जानते थे? एकदम जानते थे। कमाल है, उनके घर वाले बोल रहे थे कि वो तीनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, और यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। इन तीनों में से राफ्ट की बुकिंग किसने की? किसी ने तो अपना नाम लिखवाया होगा ना। एक चौथा आदमी था। क्या, किसी चौथे आदमी ने राफ्ट की बुकिंग की थी? कौन? तंतेरा नाम का आदमी था, वही लेकर आया था उन तीनों लोगों को यहाँ। इसमें एक और आदमी शामिल है, और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बात पहले उठी नहीं, आप उन तीनों लोगों के बारे में पूछते रहे और मैं आपको बताता गया। तो ये टंटेरा पहले आया था राफ्ट की बुकिंग के लिए? हाँ सर, पहले टंटेरा आया और आप लोग फिर यही रुकना, मैं अंदर जा जाता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम टंटेरा है, हम तीनों दोस्त हैं, हम लोगों को गंगा पर रिवर राफ्टिंग करनी है। जरूर जरूर, इस रजिस्टर में आप सबकी डिटेल्स भर दीजिए, नाम, नंबर,
कहाँ ठहरे हैं? भरना जरूरी है क्या? जी हाँ, कंपलसरी है। ओके। संतेरा की रिपोर्ट दो अभी। अब पहले बताया होता तो अभी तक पकड़ नहीं लेता मैं उसको। केस निपटने दो राजेंद्र जी, तुमसे तो बाद में निपट लूंगा। एक मिनट सर। अरे राजेंद्र जी, आपकी पूजा तो हो गई, अब मेरी दक्षिणा दे दीजिए। मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा, ये लीजिए सर। कहाँ ठहरा ये? शंकर पैलेस होटल। थैंक यू जी, वेलकम। चलो सर, ये राफ तो बहुत टूटी ताजी है, इसे गायब करने में बहुत मुसीबत होगी। सर ये राफ तो बहुत बड़ी है, इसे छिपाने के लिए इसकी हवा निकाल के इसे फोल्ड करना पड़ा होगा। राफ का तो मैं समझ सकता हूँ, तीनों को कहाँ फोल्ड कर दिया गया? ये है वो होटल जहाँ पे टंटेरा ठहरा हुआ है। हाँ सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर पवन। अरे ये लोग सीआईडी से आए ना मुंबई से। सीआईडी? आपके होटल में टंटेरा नाम का एक फॉरेनर ठहरा हुआ है तो वो इंडियन ही पर बाहर से आया है। बहुत चालू आदमी है, कई लोग गायब करवा दिए उसने। अरे उसको तो हम भी खोज रहे हैं सर। बिना पैसे दिए जो भाग गया वो। भाग गया मतलब चेकआउट कर गया? चेकआउट करता तो छोड़ते थोड़ी हम उसे, वो तो अपना सामान भी छोड़ के भाग गया। कब? सर दो दिन हो गए। सर वो तीनों भी दो दिन पहले ही गायब हुए हैं। सर जिस दिन से ये तीनों गायब है उस दिन से ये टंटेरा भी भागा है। सर कोई बहुत बड़ा गेम खेला है इस टंटेरा ने। उन तीनों को राफ्ट में बिठा के न जाने कहाँ भेज दिया और अब वो खुद ना तो क्या रहा हो गया। उसका सामान कहाँ है? कमरे में ही है सर।
बस आज का दिन हम और देखने वाले थे, फिर पुलिस को बुलाते तो फिर बुलाया क्यों नहीं? हम उसका सामान देखना चाहते हैं। ठीक है। हेलो, जी क्या? जी सर, जी सर, अभी आता हूँ सर। ये निकला, ये पहुंचा सर। ठीक 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 सर, ओके सर। क्या हुआ सर? राफ्ट मिली है सर, और ऊपर से बह के आई है, और उसमें लाश है सर। राफ्ट में लाश? हाँ जी। अब एक काम करो, डॉक्टर सालूंकी को फोन करके वहां पे बुलाओ, उनका वहां पे होना बहुत जरूरी है। तब तक हम कमरा चेक करते हैं। जी सर, मैं निकलता हूँ सर, आपको पहुंच के फोन करता हूँ। ठीक, चलिए वो कमरा दिखाइए। आइए सर। ये है टांटेरा का रूम। इस कमरे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं किया ना? नहीं सर, एक बार सफाई की थी, उसके बाद हाथ नहीं लगाया। ठीक है, सामान कहाँ का? ये सर। सर वो सालों की था। सर इतने सारे बैग्स? टंटेरा ही है या नहीं यकीन नहीं होता, जाने कितने फेस बदलता होगा। आज टंटेरा, कल मंटेरा, परसों चंटेरा। सर से ये देखिए, ड्रग्स, टंटेरा का पासपोर्ट। पंकज क्या हुआ? सर मैं अपने आप को देख के डर गया। पंकज ये मजाक का वक्त नहीं है, तीन लोगों की जान खतरे में है। सॉरी सर। शरीर पे कोई घाव का निशान नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, गर्दन पे गला घोटने का कोई निशान नहीं है। इसके सैंडल पे मिट्टी लगा हुआ है, ये देखो। हाँ भाई दया, क्या कर दिया गंगा के किनारे? ये देखिए, हैं? ये देखिए सर, सैंड पर मिट्टी भी लगी है। मिट्टी लगी है, इसका मतलब ये कहीं ऐसी जगह से भागा है जहाँ पर कीचड़ है, मड है। हाँ सर। करना पड़ेगा इसे, लाइफ जैकेट पहनी हुई है, इसको खोलना पड़ेगा। चलिए जरा मदद करें। लाश को पलटो। यहाँ ये देखो, यहाँ गोली लगी है। पहले से गोली मारी और मरने के बाद इसे लाइफ जैकेट पहना दिया। लाश छिपाई क्यों? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली लगने के बाद ये वहां से भागा होगा? उसे ये राफ्ट दिखी, राफ्ट में लाइफ जैकेट थी, पहन ली और वहां से भागने की कोशिश की। हो सकता है, हो सकता था। देखते हैं और कहां कहां चोट लगी है इसे। भैया इसे तो पैर में भी गोली लगी है, और खूनी ने एक गोली इसके पैर पे भी मार दी, और जब ये गिरा तो इसके हाथ किसी पत्थर पे टकराए जिसकी वजह से छिल गए।
ये कैसा इंसाफ किया तूने मेरे साथ? माँ जी प्लीज संभालिए अपने आप। मेरा जवान बेटा मेरे साथ छीन लिया। क्यों मार डाला मेरे बेटे को? प्लीज हाथ हाथ में हाथ मत लगा। क्यों मार डाला मेरे बेटे को? मेहनत करके बेचारा दो पैसे कमा रहा था, मार डाला मेरे बेटे को। क्या संभालूं मैं अपने आप को? ये यही है साहब, साहब है ये, इसने मेरे बेटे को मार डाला है। ये इसी के लिए काम करता था और आज इसने मेरे बेटे को मार डाला है। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। राजेंद्र अब तक सिर्फ तीन लोग गायब थे, अब खून भी हो गया है। सर वो तीन लोग सिर्फ गायब ही नहीं है, उनकी जान को भी खतरा है। राजेंद्र जी अब आपको और बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। भैया जरा रात को देखते हैं, चलिए। यही वो बोट जिसमें लाश थी? यस सर। मिस्टर दया राफ्ट में भी दो गोलियां हैं, ये देखिए। इस राफ्ट में दो गोलियां मिली, पर इस आदमी को जो गोली लगी थी वो तो जंगल में चली थी, तो फिर इस राफ्ट में दो गोलियां कैसे? भाई साहब इस राफ्ट में दो लोगों को गोली मारी गई है, समझे? दो लोगों को, या फिर एक ही आदमी को दो बार गोली मारी। मगर सर लाश कहाँ है? अरे जेब में है मेरी, बात करते हो यार। लाश को मार के फेंक दिया होगा यहाँ गंगा के पानी में। एक काम करो जाओ ढूंढो, वहां मिलेगी ऋषिकेश में बैराज में अटकी हुई। तीनों लोगों ने जिस जिस को फोन किए थे उन सब की लिस्ट लेकर आए। क्या पता चला? सर उन तीनों ने आपस में करीब 7-8 बार बात की। इसका मतलब है सर वो तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे यार एक दूसरे को जानते थे मगर ऋषि के खाने के बाद अलग अलग होटल में थे। क्यों? हाँ सर अलग अलग जगह पर रहे पर राफ्टिंग करने के लिए एक ही साथ गए, एक ही राफ्ट। बस वही बीमार है सर। मैं इन तीनों के होटल गया था, वहाँ पे मैंने एक एक मैनेजर का दिमाग खाया और सब लोग ने मुझे एक ही बात बताई कि ये तीनों 13 मंजिल मंदिर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। 13 मंजिल मंदिर? हाँ सर, यहाँ का एक स्पेशल मंदिर है जहाँ पर हर मंजिल पर एक अलग देवता है। क्या ये लोग मंदिर के अंदर गए थे? नहीं सर, ऐसा पता चला है कि ये लोग मंदिर तक पहुँचे थे मगर अंदर नहीं गए। अच्छा मंदिर तक पहुँचे मगर मंदिर के अंदर नहीं गए। हाँ सर ये रहा 13 मंजिल मंदिर। पवन तुम उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करो जिससे तुमने पूछताछ की थी, जल्दी। विनीत निखिल आसपास की दुकानों में देखो, देखो कुछ पता चलता है क्या। भाई साहब इस आदमी को यहाँ पे देखा है? नहीं इसको मैंने नहीं देखा साहब, नहीं।
सर, सर वो मिल गया है जिससे मैंने पूछताछ की थी। अच्छा चलो। सर इसका नाम रामू है, इसी ने उन तीनों को देखा था। रामू तो आप यहाँ मंदिर के बाहर जूतों और चप्पलों का ध्यान रखते हो? हाँ साहब। क्या हुआ, कहाँ देखा था तुमने? उस दिन जब वो तीनों आए थे तो मुझे लगा दर्शन के लिए आए होंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने जूते उतारे ही नहीं। वो तीनों मंदिर के बाहर ही खड़े? हाँ साहब, लेकिन एकदम अलग अलग खड़े थे। कहाँ खड़े थे? सर वहाँ पे दिखा। सर उनमें से एक यहाँ खड़ा था। यहाँ पर? हाँ। और वो किस तरफ देख रहा? सर उस तरफ, वहाँ पे, वहाँ देख रहा था। इस तरफ? और वो दूसरा आदमी? सर दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा था। दिखाओ। सर यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ सर। दोनों यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे होंगे? क्या देख रहे थे? सर वो दूसरा आदमी भी उसी तरफ देख रहा था। इस तरफ देख रहा था? सर यहाँ से वो पहले वाले की जगह दिखती है। हाँ। तीसरा आदमी कहाँ था? तीसरा आदमी वहां पे था। देखा? सर तीसरा आदमी यहीं पर खड़ा था मेरी दुकान के पास। यहाँ पे? हाँ सर। तीसरा, दूसरा और पहला। अच्छा आप इस आदमी को देखा है यहाँ आसपास कहीं? सर ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ पे आता है और कभी कभी तो साधु के भेष में रहता है। साधु के भेष में? हाँ साहब। आज भी आएगा वो? मालूम नहीं साहब। अरे वो क्या है साहब, वो आ रहा है ना वहां से। ए रुक, रुक जा। छोड़ दो। बहुत सारे हिसाब किताब देने जी। अरे अरे बाहर निकल, निकल बाहर। मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग मासूम लोगों को मार मार के मर्दा बना देते हो। हलवा बनाया कहाँ है? वो तो अब शुरू होगा, बाहर निकल तू। आजा। मैं नहीं आऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तूने? चल बाहर निकल, बाहर निकल। कुछ नहीं किया तूने? साधु महाराज के कपड़े पहन के घूम रहा था? क्यों घूम रहा था? मेरा इस संसार से मन उब गया, मैं संन्यास लेना चाहता था। चुप पाखंडी। संसार से मन उड़ गया? संन्यास लेने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तुम जैसे लोगों को तो हम संन्यास दिलाते हैं, समझे? ए अंदर मजा, अंदर सांप है। बस बैठ बैठ, चुपचाप बैठ। ये बता, इन तीनों को पहचानता है? इन तीनों ने राफ्ट ली, राफ्टिंग करने के लिए, और उन्हें लेकर जाने वाले थे तुम। कौन है ये? कौन है ये? अरे दया, क्या किया तुमने? हैं? क्या किया इसके साथ? बेचारे की याददाश्त चली गई।
सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो तो अब शुरू करूंगा। सर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, जब आप वापस आएंगे तो देखेंगे कि इसे सब कुछ याद आ गया होगा। क्या फिर से इसे मारोगे तो? सर आप सब कुछ साफ साफ मत पूछिए, मैं दया मर जाएगा ये। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। अब सर हम लोग थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं। अच्छा याद याद है सर सर अब बार मत जाइए, ये लोगों ने बार बार भरता बना दिया। बोल बोल बोल। सर बहुत दिनों से मैंने ड्रग्स नहीं ली, मेरे हाथ पर काम रहते सर। एक दिन एक आदमी आया, वो बोला मेरा काम कर, मैं तेरा मुंह ट्रक से भर दूंगा। उसने कहा इन तीनों को राफ्ट में बिठा के भेज दे, तू मत आना। मैंने वही किया, इन तीनों को राफ्ट में बिठा के भेज दिया। ये तीनों गंगा में उतर के चले गए। तेरे पैसे और इस बारे में किसको बोलना नहीं, पूरे पूरे और भी कुछ कामरे का बताना, बड़ा मुर्गा लेके आऊंगा, बड़ा मुर्गा। कौन है वो आदमी जिसने तुमसे ये काम करवाया? नहीं मालूम। बोल। मेरे पैसे मिल गए और मैं वहां से चला गया, उसके बाद तो तीनों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। नहीं पता। और निकल, और निकल, निकल बाहर। उन दोनों के बारे में कुछ मालूम है? नाम पता एड्रेस कुछ जानता है उनके बारे में? नहीं। देख उस राफ्ट चलाने वाले की लाश मिली है हमें। वो मर गया? हाँ मर गया वो। एक बात याद रखना, उन तीनों में से किसी का भी बाल बाका हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई, ड्रग्स के नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया, क्रिमिनल बना दिया सर, क्रिमिनल बना दिया। चल बता जंगल में कौन सी जगह है जहां पर उन दोनों ने अड्डा बनाया, बताओ जल्दी।
निशाना बन रहा है, शिकार यही होगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।